आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? क्या इसके होते हुए आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? इसका मतलब ये है कि आपके ओवरीज में कम अंडे हैं और जितना आपके उम्र के मुताबिक होना चाहिए उतने नहीं है, इसीलिए आपको एग्स कम होने की वजह से प्रेगनेंसी शायद लेट हो सकता है। एग्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्पर्म्स के साथ प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए। और आपके एग्स जो हैं वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है वैसे कम होते हैं, लेकिन कई महिलाओं में ये जल्दी हो जाता है। ये जो डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, यानी कि अगर ओवरीज में अंडे कम होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए। आपके क्लिनिशियन ही करेक्ट व्यक्ति हैं ये बताने के लिए कि आपके ओवरीज में अंडे ठीक नंबर के हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है, डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, आप कम उम्र के हैं लेकिन डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडे कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कितने अंडे आपके? एक महिला जब पैदा होती है तो उसमें सारे अंडे होते हैं जितने वो ओविलेट करेगी, यानी कि जितने उसके लाइफ साइकिल के लिए चाहिए। तो नए नए अंडे पैदा नहीं होते, पैदाइशी वो उतने अंडों के साथ पैदा होती है। उम्र सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है, यानी कि अगर आपका उम्र ज्यादा है तो कम होंगे एग्स, अगर आपकी उम्र कम है तो नंबर्स कम होंगे। 35 से ऊपर उम्र की महिलाओं में देखा गया है कि एग लॉस जो है ओवरीज से बहुत तेज रफ्तार से घटती जाती है। तो 35 के बाद एग काउंट जो है कम हो जाता है। तो ये एक्चुअल नंबर्स वेरी करते हैं, कितने अंडे आपके बॉडी में होंगे ये एज के मुताबिक डिटरमाइन यानी कि देखा जाता है। पैदा होने पर 1 से 2 मिलियन अंडे होते हैं एक छोटी बच्ची में। प्यूबर्टी यानी कि जब वो बड़ी होती है, टीनेज में आती है, 3 लाख से 4 लाख अंडे होते हैं। 40 साल की जब होती है तो 25,000 अंडे होते हैं, और जब मेनोपॉज के आसपास आ जाती है तो 1,000 से भी कम होते हैं। आपके डॉक्टर ही आपके स्कैन के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा बता पाएंगे कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं। तो इसका कारण क्या है? मेन कारण एजिंग है, जिसकी वजह से लो ओवेरियन रिजर्व हो सकता है। कभी कभी कोई कारण भी नहीं हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा। जेनेटिक कॉजेस वो होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करते हैं। कभी अगर कैंसर ट्रीटमेंट लिया गया है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई सर्जरी हुआ होगा ओवरीज में, या दोनों सर्जरी निकाल दिए गए होंगे। ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं जिससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम को कम किया जाता है, या स्ट्रेस की वजह से क्या ये हो सकता है? स्ट्रेस कम करने से क्या ये प्रॉब्लम भी कम हो सकता है? नहीं, स्टडीज ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेस कम करोगे तो भी ये प्रॉब्लम को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ASRM कहता है लाइफस्टाइल में सिर्फ 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, स्मोकिंग और यूजिंग टबैको। अल्कोहल भी है बट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ओवरीज में जो अंडे हैं वो बहुत तेज़ी से कम होते जाते हैं। तो कौन से टेस्ट हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं? कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जैसे AMH हार्मोन का पता लगाना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रेडल, इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओवेरियन वॉल्यूम कैसा है, मतलब ओवरीज में कितने अंडे हैं, कितना स्टिमुलेशन लेंगे आप, कितना आपको दवाई देना पड़ेगा जिससे आप आपके ओवरीज से कुछ रिस्पॉन्स मिल पाएगा। एक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है जिससे आपके ओवरीज का वॉल्यूम काउंट देखा जाता है, फॉलिकल्स कितने हैं, कितने अंडे शायद बढ़ रहे हैं इस महीने के लिए, जिसे एंट्रल फॉलिकल काउंट कहा जाता है। तो ये सब के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं आपके ओवरीज में रिजर्व कैसा है। तो ट्रीट कर सकते हैं बट इसे रिवर्स नहीं कर सकते। ये जान लीजिए कि एक बार ये कम होना शुरू हो गया है तो इसे वापस नहीं ठीक किया जा सकता। बट हाँ, अगर कम भी है तो भी आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस पा सकते हैं, आप एक प्लान सोच सकते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी पा सकते हैं। IVF में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिससे एक या दो भी अंडे बढ़ रहे हैं ओवरीज में, उन्हें बाहर निकालकर आपके एम्ब्रियोस को बनाकर गर्भ में डालकर सक्सेस रेट पा सकते हैं आप। लेकिन ये आपके फाइनेंसिस पे डिपेंड होते हैं, आपके चाह पे डिपेंड होते हैं कि आप कितने डेस्परेट हैं बेबी के लिए, जेनेटिकली रिलेटेड हो आपको, जो बेबी आपसे जेनेटिकली रिलेटेड हो। अगर आपके अंडों से प्रेगनेंसी नहीं पा सकते आप, या अंडे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप डोनर अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेकिन ये बहुत पर्सनल मामला है। आप अगर अपने अंडों से ही ट्राई करना चाहते हैं
तो भी आप IVF ट्राई कर सकते हैं, जिसमें डोज बढ़ाकर आपके अंडों को निकाला जाएगा, चाहे एक हो या दो हो, एम्ब्रियो बनाकर डाला जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके एग्स यूज करना चाह रहे हैं तो एम्ब्रियो पूलिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिनमें आपके एग्स को बाहर निकाला जाएगा, चाहे एक हो या दो, एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज किया जाएगा, फिर दोबारा एक साइकिल में फिर से एम्ब्रियोज बनाए जाएंगे और उनको मिलाकर यानी कि दो या तीन एम्ब्रियोज को आपके घर में डाला जाएगा। इससे आपके सक्सेस रेट को आप बढ़ा सकते हो। अक्सर ये देखा गया है कि कम उम्र वाली महिलाएं अगर ये एम्ब्रियो पूलिंग करती हैं तो उनका सक्सेस रेट अच्छा होता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप कम उम्र के हैं, 35 से कम हैं और आपको लो ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।